बहुत ही सुंदर विषय है, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। भाई और बहनों, ये जो प्रेक्षा शब्द है, वह प्रेक्षा शब्द है देखना। देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाहर देखना। अगर हम चलते चलते सामने नहीं देखेंगे तो हमारा सिर फूट जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे, वो सामने नहीं देखा तो क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर ट्रेन चल रही दो पटरियों पर और उन्होंने जो है वो सिग्नल का ध्यान नहीं दिया, एक ही पटरी पर दोनों ट्रेन हो गई, तो आप समझ सकते हो कितना विध्वंस हो सकता है। यानी देखना बहुत जरूरी है। हम अगर देखना नहीं सीखेंगे तो हम संसार की कोई भी प्रवृत्ति नहीं कर सकते। इसलिए देखना बहुत ही मुख्य चीज है। जिस तरीके से हम बाहर देखते हैं वो हमारा व्यवहार पक्ष है, वो हमारा जो व्यवहार, व्यवहार पक्ष के साथ साथ में हमारा वो जो है व्यवहार जीवन है, उस जीवन के अंदर सारा जो है वो देखने के माध्यम से होता है। तो हमारा एक निश्चय जगत है, व्यवहार जगत के साथ साथ में निश्चय जगत है, और निश्चय जगत भीतर का जगत है। तो भीतर भी देखा जाता है, भीतर की आंख अलग होती है और बाहर की आंख अलग होती है। मैं भीतर और बाहर की आंख का आपको भेद बताना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट जो है बहुत करुणाशील थे। जीसस क्राइस्ट अपने आप को जो है वो सन ऑफ द गॉड मानते थे, और वो कहते थे कि जो ये ईश्वर ने बताया वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रिनिटी किया करते थे। वो कहते थे मैं ईश्वर की संतान हूँ, आप भी ईश्वर की संतान हो। और दूसरा वो कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो। और तीसरी बात वो कहते हैं कि सेवा का कार्य करो, प्राणी मात्र के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति सेवा का ध्यान देना चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी में सेवा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है और ट्रिनिटी को स्थान दिया है, मतलब अपने आप को ईश्वर की संतान, गॉड, बहुत फेयरिंग गॉड, फेथ का बहुत बड़ा स्थान है। तो जीसस क्राइस्ट के समय की बात है कि एक अंधा व्यक्ति जो गिड़गिड़ाता आया कि हे प्रभु, मैं तो जन्म से ही अंधा हूं और मैंने इस दुनिया को बिल्कुल नहीं देखा, मैं सूरदास हूं, तो आप मेरे पे कृपा करिए। कई बार जो गिड़गिड़ाने लगा तो करुणा आ गई जीसस क्राइस्ट ने, और जीसस क्राइस्ट तो एक सन ऑफ द गॉड, तो उन्होंने जो उसको आंखें दे दी, तो दोनों आंखें देने से वह इस दुनिया को देखने लग गया। तो जब वो बाहर गया तो उसने पहले, सबसे पहले देखा रूपवान स्त्री को देखा, तो रूपवान स्त्री देखने से, वो जवान लड़का था, रूपवान स्त्री पे लुब्ध हो गया, मोहित हो गया और उसके साथ कुकृत्य कर बैठा। अब जो है यह बात किसी ने देख ली तो देख करके, और वह व्यक्ति उसको जो है अंधे व्यक्ति को जीसस क्राइस्ट के पास पता और सारी कहानी सुनाई। तो जीसस क्राइस्ट ने जो है वो कहा कि मैं मेरी भूल स्वीकार करता हूं, इसको मैंने बाहर की आंखें तो दे दी, भीतर की आंख नहीं दी। भीतर की आंख संयम की आंख होती है, संवर की आंख होती है, और भीतर की आंख होती है संभाव की आंख होती है। कि वो संभाव की आंख क्या है कि तुम राग द्वेष मुक्त होकर के देखो। तुमने अगर उसके पास भीतर की आंख होती तो वो क्या उसको रिलेटिव देखता, उसको परी को, सुंदरी को रिलेटिव देखता और वो चिंतन करता, ये तो हाड़ मांस का पुतला है, कि अगर इसी तो खाली चमड़ी गोरी है, अगर इस चमड़ी गोरी को जो है ऊपर से चमड़ी हटा दी जाए, इसके भीतर वो बदबू है, वो शायद दुनिया में इतनी गंदगी कहीं नहीं जितनी हमारे भीतर गंदगी है, और उसको वैराग्य आ जाता। उसको भीतर की आंख ना दी तो इसके लिए जीसस क्राइस्ट ने अपनी भूल स्वीकार की। तो भाई और बहनों, हमारे को भीतर की आंख मिलनी चाहिए। जितने ये भगोड़े हैं जो कि बड़े बड़े जो है हमारे कहे जाने वाले ये जो बाबा लोग हैं, तो बाबा लोग हैं वो करोड़ों की संपत्ति वाले हैं, मठाधीश हैं, और उनको भगवान की तरह लोग मानते हैं। कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो है सन्यासी को बहुत ऊंचा ध्यान दिया जाता है, उसके प्रति गलत भावना नहीं रखी जाती है, लेकिन वो भगोड़े कुकृत्य बैठते हैं और कई जेलों के अंदर सड़ रहे हैं क्योंकि उनके भीतर की आंख नहीं है। इसीलिए भीतर की आंख का मतलब भीतर देखना, भीतर प्रभु है, भीतर प्रभु का राज है, भीतर कोई भी खराब चीज नहीं है, सब पॉजिटिव थॉट है। जहाँ प्रभु विराजमान होता है, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, सब गुणों का पुंज है, उसके कोई बुराई होती नहीं है। तो उसका जब हम ध्यान करते हैं, उसका हम रियलाइजेशन करते हैं, उसके शुद्ध स्वरूप को,
शुद्ध स्वरूप कौन सा है? ज्ञाता दृष्टा भाव है। और ये जो जो शरीर है ये अशुभ हो जाता है, क्योंकि इसमें राग द्वेष है। देखिए इस शरीर में दो धाराएं हैं, एक धारा में तो प्रभु है जो प्योरली ज्ञाता है, दृष्टा है, अशरीरी है, और अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शरीर वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, वो अनंत सुख का धाम है, और वह मन वचन काय से मुक्त शुद्ध आत्मा है, और द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काय तथा मेरे नाम की सरमाया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा वो टंकोत्कीर्ण है, ऐसा जो अव्यवाद है उसके कितने गुणों की बात करें, वो तो ब्लिश है, वो तो सुख आनंद में रहने वाला है, और वो जीवन भर आनंद में रहता है, उसको मुक्ति की अवस्था बोलते हैं। तो ऐसा भीतर विराजमान है, और उसके इसके साथ साथ भी भीतर अशुद्धि है, राग द्वेष सारी बीमारियों की जड़, मोह का संसार पूरा, मोह का वट वृक्ष भी भीतर है, वह हमारा राग द्वेष है, वही तकलीफ पैदा कर रहा है, वही हमारे भाव बिगाड़ रहा है, वही हमें नेगेटिव थॉट्स देता है। तो हम अपने जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, हम प्रभु के दर्शन करने भीतर जाते हैं, भीतरी आंख खोलते हैं, तो ये हमारी ज्योति के अंदर प्रेक्षा है, वो भीतर की आंख खोलने का उपक्रम है कि तुम ऐसे देखो कि तुम्हारे राग द्वेष ना हो। जब राग द्वेष समाप्त हो जाता है तो हम हर वस्तु को तत्व की दृष्टि से देखते हैं, और सारा संसार भगवत स्वरूप नजर आता है, सारा संसार तत्व स्वरूप नजर आता है, और हर व्यक्ति हम परमात्मा के दर्शन करते हैं। उसकी उपलब्धि क्या होती है कि जिस व्यक्ति के भाव नकारात्मक समाप्त हो जाते हैं, सकारात्मक आ जाती है, तो कीड़ी में, चींटी में, हाथी में, पेड़ में, पौधे में, राम में, कृष्ण में, मेरे में, आप में, वही आत्मा का अनुभव करता है जो सबके अंदर है, और वह मुक्त होने वाली आत्मा उसका शुद्ध स्वरूप है, वो मुक्त होने वाली है, और जो तकलीफ देने वाला ये नेगेटिव थॉट्स है, ये राग द्वेष है, यही उसके दर्शन नहीं होने देता है। इसीलिए इस ये अज्ञान है, इस अज्ञान की वेल्डिंग को जो है हमें काटना है, राग द्वेष को हटाना है।